तीन टूर है। तीना चार मतलब ये भेजा है, ये सबसे अच्छा चीज है। पिछले एपिसोड में आपने देखा छत्तीसगढ़ के घनघोर जंगलों के बीच जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में विराजित कोरवा जनजाति की कुल देवी माँ खुड़िया रानी जी का दरबार और अति प्राचीन गुफा। साथ ही साथ आपने कोरवा जनजाति के दैनिक जीवन के बारे में भी जाना। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको कोरवा स्टाइल में बकरे का सर का स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर दिखाने वाले हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो कृपया अभी वीडियो को छोड़ दें, और अगर आप मांसाहारी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि जंगलों के बीच में रहने वाला एक जनजाति बकरे का स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाता है। तो भाई साहब, अपन अभी चूल्हा को कर रहे हैं शिफ्ट, क्योंकि हमारे पास आ गया है एक स्पेशल डिश। मैं बताऊँगा स्पेशल डिश कौन सा है। अभी फिलहाल मैं चूल्हा के अंगार को लेकर के जा रहा हूँ अपने अंदर वाले जगह में। ये हमारे चूल्हा में जो आइटम आया है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो बकरा, बकरा का मुंडी। तो आज अपन खाएंगे बकरा का मुंडी और मैं बनाऊंगा इसको स्पेशल तरीके से। तो अपन चूल्हा जला लिए हैं और इस चूल्हे में पानी उबाल कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। और पानी इसलिए उबाल रहे हैं क्योंकि हम बकरा जिसको बढ़िया साफ कर लिए हैं, धो लिए हैं, इसमें रखे हैं। ये बकरा का सिर है, गोप्रो है, लो लाइट सिचुएशन थोड़ा सा इसका ख़राब है। इसको अपन इसमें डालते हैं और इसको उबलने देते हैं। ये उबलेगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया आपको बताता हूँ। अब डाल रहा हूँ नमक ताकि जल्दी से ये बॉइल्ड हो जाए। अरे वाह, मैं तो इसमें भूजूंगा तो साला, नहीं तो निकाल दे, पूरा निकाल दे चमड़ी समेत। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा चमड़ी समेत निकल गया और यहाँ पे हमारा आ गया है भाई साहब इसको खाने के लिए। सही है यार, ये तो पूरा बारीक से निकल गया, मतलब कोई कील करने का चीज़ें नहीं रहा। जो भूजना उजना मत, अब आप कहाँ भूजना, तो सीधा इसको कटिंग करेंगे। कुलदीप फर्स्ट टाइम कर रहा है ना? हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मैं कभी काटा ही नहीं बकरा बकरा। नहीं मैं बकरा का मांस का किया हूँ, सर का नहीं किया हूँ। मांस तो मैं भी किया हूँ। बहुत गर्म है। कहाँ नहीं हुआ उसको भूजेंगे। चाकू लेके आऊं क्या? हाँ चाकू लाऊं? नहीं नहीं हो गया यार, सब भी जमा हो गया, थोड़ा छीनने में ही तकलीफ जा रहा होगा ऊपर का। हाँ
भाई लोग, हमारा ये जो बकरे का सिर है फाइनली बॉइल्ड हो गया है। आपको देख करके अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप मांसाहारी हैं तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। अभी इसको मैं कटिंग करूँगा, कटिंग करने के बाद यहाँ हमारे चूल्हे में इसको तैयार करूँगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारे बकरे का सिर का कटिंग के लिए हमारे बाबा आए हैं। बाबा हमारा हेल्प कर रहे हैं। क्या नाम बाबा आपका? क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह बाबा आए हैं और यहाँ हमारा मदद कर रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग केवल बकरे को उबाले और छील दिए, क्योंकि थोड़ा नॉलेज कम है बोल के अपन नहीं कर पा रहे थे। तो बाबा ये थोड़ा हथियार वगैरह का व्यवस्था किए और लकड़ी का गुटका का भी। आप देख सकते हैं ये गर्दन था बकरे का गर्दन। मैं जब भी बकरा लेने जाता हूँ तो रांग, गर्दन और कलेजी, ये सारी चीज़ को मैं ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि ना बहुत मज़ेदार होता है, टेस्टी पीसेस हैं और पौष्टिक भी हैं। ये भेजा है, ये सबसे अच्छा चीज़ है। इसको अलग से फ्राई करेंगे? देख सकते हैं भेजा को निकाल के साइड किए। ये एक्सपीरियंस होल्डर का ये कहानी है। हम लोग थोड़ा सा, हाँ देखो ना, इनका एकदम फिनिशिंग के साथ हो रहा है। मैं तो शायद नहीं काट पाता ऐसा, लेकिन मैं अब सीख गया हूँ ना, तो इस टाइप से हथियार मिल जाने से शायद काट लूँ। ये क्या है बाबा? उसका पीस है कोई? अच्छा, उसका जबड़ा को निकाल दिया अपन। अरे वाह, मैंने हम लोग अच्छा उबाले हैं उस हिसाब से, कि ज्यादा उबाल दिया बाबा? ठीक है ना, उसका आँख है। भेजा मेरा फेवरेट है दोस्तों। पार्टी हो गए भाई हम यूट्यूबर्स की। एक एक पीस का जानकारी है इनको, अपन ऐसा कर ही नहीं पाते। अच्छा, यही तो मैं गड़बड़ कर दिया रहता, दांत वांत सब डाल के सनर घटर कर देता हूँ। आँख भी निकाल, भैया लोग चले गए क्या बाबा? नहीं गए हैं ना? आप भी उन्हीं के परिवार से हैं क्या? अच्छा, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, पूजा पाठ में करता। अच्छा अच्छा, भैया जनजाति होता है वो, दूसरा है आदिवासी। आप लोग आदिवासी में आते हैं क्या? आदिवासी में आते हैं। आदिवासी में आते हो ना? क्या आदिवासी हो? कोरवा ना? पहाड़ी कोरवा अलग होता है और आप लोगों का कोरवा अलग है। डिहारी कोरवा अलग होता है। डिहारी और पहाड़ी, तो डिहारी लोग पहाड़ में नहीं रहते हैं? पहाड़ी में रहते हैं। अच्छा, नहीं जैसे पहाड़ी कोरवा लोग क्या है, शिकार वगैरह और कपड़ा अली पहनते नहीं है। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं करते। तो ये थे हमारे राम प्रसाद बाबा का, राम प्रसाद नाम बताए ना बाबा, राम सिंह बाबा का स्टोरी, जो कि कोरवा जनजाति से हैं। पहाड़ी कोरवा अलग होता है और ये डेहरी ना, डिहारी कोरवा हैं ये अलग होते हैं। तो ये इन्होंने लगभग पूरा बना दिया है। और ये देखिए, यहाँ पे दांत, हड्डी, जो ऐसे पार्ट्स है जिसको नहीं खाना चाहिए, उसको बाबा अलग कर दिए हैं। ये सारे चीज़ अलग कर दिए हैं बाबा,
धन्यवाद बाबा, आप भी खाइएगा। हम लोग बना रहे हैं बढ़िया स्पेशलिस्ट शहरी स्टाइल में बनाएंगे बाबा, थोड़ा तीखा ज़्यादा रहेगा हमारे, चटपटा। ठीक है बाबा। तो दोस्तों फाइनली हमारा तेल भी गर्म हो गया और हम सबसे पहले डालें मिर्ची और आग लगा दिए मिर्ची डाल के, उसके बाद प्याज और लहसुन दोनों को साथ में डाल रहे हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने वाले हैं, जो ऑनियन है वो कम्प्लीटली ब्राउनी हो चुका है और यहाँ पे हम लोग लहसुन वगैरह जो डाले हैं सारे चीज़ लगभग ब्राउनी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के दरअसल में उसको हम पकाना चाह रहे हैं। आँच में हमारा एकदम कम है, अभी कम बोलने से हम अभी इसको फायर कंडीशन में नहीं रखें, अंगार कंडीशन में। इसको डालने के बाद अपन डालेंगे सीधा मटर। एक डाले ना, तो अब हम इसमें मटन के पीसेस को डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पीसेस कटे हैं, एक पीस भगवान को ऐसे ही चढ़ा दिया अपन, अग्निदेव को शायद वो बेज होंगे सॉरी। यहाँ पे अब म्यूजिक चल रहा है दोस्तों। अरे तो थोड़ा सा बना नारा नारा ना फोटो फोटो दिखाओ लगभग बकरे का सिर हमारा पक चुका है और अब हम मसाला डाल रहे हैं। पहले हल्दी डाल रहे हैं अपना बुक्कड़ बाबा, ये इसका दरअसल में एक पकाने का टेक्निक है। हम चाहते हैं शुरू मसाला वसाला कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बैचलर स्टाइल है, बैचलर स्टाइल में सब लागू है। मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, ये झाल वाला है। हाँ झाल वाला, हाँ पूरा डाल दो तो खत्म कर दो मिर्ची पाउडर को, कच्चा पिसा हुआ है। हाँ पूरा डाल दो, थोड़ा कश्मीर नहीं नहीं पूरा छोड़ इसको, पूरा 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 खत्म करो और फेंक दो बंद दोस्तों, जला दिए तत्काल। और कश्मीरी लाल डालता हूँ, कश्मीरी बढ़िया डालो, सबको डालो ना, मटन की जगह चिकन डाल देना। ये कश्मीरी लाल, अब कश्मीरी डाल रहे हैं ताकि कलर आए। आ जाएगा काफ़ी। अब हम लोग इसमें चिकन का सब डालेंगे, चिकन मसाला, चिकन मसाला डालेंगे। हाँ चिकन डालेंगे, ऑडियंस जानता है क्या मेरे को? यस। और गरम मसाला भी डाल दो, ये चिकन मसाला। हाँ आज बहुत तेज है भाई, मज़ा आ रहा। गरम मसाला डाल दो, डब्बा रखना पड़ेगा होगा अगली बार से। हाँ डब्बा रखना पड़ेगा, डब्बा नहीं है। अभी गर्म मसाला डाल दिया अपन, उसका पानी डाल के चलाएंगे। और जीरा, जीरा जीरा पाउडर डाल दूँ, डाल दूँ इसमें मसाला की ज़रूरत है। सब डल गया ना? हाँ धनिया, धनिया भी डाल देता हूँ, धनिया भी डाल दो बस। ये मसाला से हम लोग इसलिए इसको लेस कर दिए हैं ताकि इसका ग्रेवी बहुत शानदार बने, और अपन ऊपर से हल्का पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये सूखा काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा और पानी डालना पड़ सकता है। तो देखते हैं बदला है।
कलर बहुत ही शानदार आया। एक एक डिस्पोजल डालो उसके बाद पूरा मसाला पक जाएगा ना, उसके बाद दो तीन डिस्पोजल और डाल देंगे ताकि ग्रेवी बन जाए। एक डिस्पोजल मसाला पकने के लिए, तो ये जो है मसाला पकने के लिए, क्योंकि हमारा आग जो है ना आज बहुत तेज है, आज हमने अपना लकड़ी का यूज़ किया है।